देश को आजाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं। तब से लेकर लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शासन किया है और झाबुआ जिले ने भी कांग्रेस को खूब समर्थन दिया है। इसके बाद भाजपा को भी झाबुआ जिले ने समर्थन दिया। वर्तमान में 2003 से 2018 तक लगातार भाजपा की सरकार है। यहां से स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह भूरिया वर्षों कांग्रेसी सांसद रहे। उनके बाद श्री कांतिलाल भूरिया सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। वर्तमान में श्री गुमान सिंह डामोर भाजपा से सांसद हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किंतु झाबुआ सीट से विधायक श्री कांतिलाल भूरिया हैं। कुल मिलाकर यहां से निवासियों ने दोनों पार्टियों का जन समर्थन देकर देख लिया, किंतु झाबुआ जिला आज तक विकास की बाढ़ जो रहा है। बहरहाल आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही इस आदिवासी अंचल के साथ न्याय नहीं किया है, क्योंकि झाबुआ जिले के रानापुर ब्लॉक का भांडा खेड़ा गांव आज भी पीने के पानी को तरस रहा है। यहां के निवासी सुखी नदी में गड्ढा खोदकर पीने का पानी निकालने पर मजबूर है, जिसके लिए गांव की महिलाएं सुबह 5 बजे से पानी की तलाश में निकल जाती हैं, ताकि परिवार के लिए पीने का पानी इंतजाम कर सके। आज क्षेत्र भ्रमण पर निकले भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने ग्रामीणों को पानी के लिए जहुजहद करते देखा तो वो भी सहम गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले की खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजकर इस जल संकट के निवारण हेतु प्रयास करने को भी कहा गया है। बता दें, घटना पर बात करने हेतु झाबुआ विधायक श्री कांतिलाल भूरिया से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, किंतु संपर्क नहीं हो सका। कुंदनपुर से गोविंद सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अचानक यहाँ पड़ी कि ये महिला यहाँ मटके वगैरह लेके क्या कर रही, तो मैंने जब यहाँ आके देखा तो ये बहुत बुरा हालत है। वाकई में बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे लिए आज हम हर किसी को आरओ का पानी पिलाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ये ग्रामीण भाई इस प्रकार की स्थिति में है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। हमारे यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनको बार बार इन चीजों से अवगत कराया, लेकिन इस भामती नदी पर किसी भी प्रकार की परियोजना नहीं बनने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने यहाँ पर बार बार आग्रह किया था, यहाँ पर 7 करोड़ का एक बड़ा डैम मंजूर किया था, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है कांतिलाल जी भूरिया, उन्होंने यहाँ के कुछ किसानों का हवाला देकर बेवजह मीडिया और सरकार को गुमराह करके उसको निरस्त करा दिया। आज उसी का यह परिणाम है। यहाँ पर हम वोट लेने के समय पर आते हैं, बाकी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इस प्रकार की हालत हो गई। मेरा उन जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं तो पहुंचाऊंगा, लेकिन उनको भी इसका प्रयास करना होगा ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।